तो कहानी के बचे हुए हिस्से को हम शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने पिछले वाली वीडियो में आपको बोला था कि सुबह उठना पड़ेगा, तो भाई बड़ी मुश्किल से हम 5 बजे उठे और नहाने के बारे में सोच रहे थे। बड़ी हिम्मत करके हमने भाई नहा भी लिया और निकल पड़े हम ओपन जिप्सी में। इस समय लगभग 6 बजे थे और भाई पूरा मौसम फॉगी सा हो गया था और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। रिजॉर्ट से निकलने से पहले भाई हमने खुद को फुल पैक कर लिया था, क्योंकि हमको मालूम था भाई ठंड बहुत होने वाली है। तो अभी हम जिस गेट से अंदर जाने वाले हैं ना, तो उस गेट पे हम आ चुके थे। और आपको यहाँ पे जो 2-3 दुकानें दिख रही है, आप यहाँ से भी अपने लिए कैमरा रेंट पे ले सकते हो। यहाँ पे हमारे सबके आधार कार्ड चेक हुए और मोबाइल को लॉकर में रख दिया गया, क्योंकि मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है। और हम निकल गए अंदर जंगल में जाने के लिए। नसीब तुम्हारे भाई का फुल फॉर्म में चढ़ रहा था। एंट्री करते ही हमको हिरन का एक झुंड दिख गया मॉर्निंग वॉक करते हुए। वो तो चले गए अपने मॉर्निंग वॉक के लिए, हम भी वहाँ से निकल गए। जब भी आप जंगल सफारी का टाइम लेते हो तो ज़्यादातर करके आप सुबह का टाइम प्रीफर कीजिए, क्योंकि भाई सुबह ज़्यादा भीड़ नहीं होती। सामने दूर आपको एक जीप देख रही होगी, और भाई अभी आपको मैं पीछे वाला नज़ारा दिखाता हूँ। पीछे कोई भी नहीं है, फुल सुनसान और खूबसूरत सा सीन दिख रहा है। हम मेन जंगल की तरफ जा ही रहे थे कि हमें बंदरों की आवाज़ सुनाई दी। ये एक टाइप का कॉल होता है, जो गाइड ने बोला था कि जब भी बंदर आवाज़ करते हैं ये डरने की वजह से आवाज़ करते हैं। मतलब उनके पास अगर कोई टाइगर वगैरह है तो वो ऐसे चिल्लाते हैं। बाद में जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उस तरफ हम जा ही रहे थे, तभी एक जीप वाले ने बोला कि यहाँ पे हमको दिख गया था अंदर जाते हुए। 2-3 जीप आगे रुक गई, 2-3 जीप पीछे रुक गई। वो कहाँ से निकलेगा ये मालूम नहीं था, इसीलिए अलग अलग डिस्टेंस पे हम रुक गए। 2-3 मिनट बाद वो हमें झाड़ियों से गुजरते हुए दिख गया। अभी आप वो क्लिप देखो। इसके बाद हमने उसका आधे घंटे से ऊपर तक वेट करा, हमें लगा वो बाहर नहीं आएगा, लेकिन भाई वो फाइनली बाहर आ गया। लेकिन उस टाइम पे मैं वीडियो तो नहीं ले पाया, लेकिन मैंने फोटोज लिए। अब फोटो देखो। इस समय धूप की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ठंड से पूरे हाथ अकड़ गए, कैमरा होल्ड करने में भी दिक्कत हो रही थी। थोड़ी देर बाद हम मिले माय डियर सांबार से। बैड जोक था। इनका तो सुबह सुबह का नाश्ता चल रहा था, हमने सोचा चलो आगे बढ़ते। वैसे भी भाई किसी को खाना खाते घूरना अच्छी बात नहीं होती है, नज़र लग जाती है। इसके बाद हमने मोर देखे थे, लेकिन जब तक हम वीडियो स्टार्ट करते तब तक गाड़ी आगे ले चुके थे, क्योंकि आगे हमको एक चीज़ दिख गई थी। दिखाते आपको, यहाँ पे हमको बियर दिख गया था। वो बियर कुछ तो ज़मीन के अंदर ढूंढ रहा था। मुझे लगता है वो तुझे ही ढूंढ रहा था। अबे शुभ शुभ बोल, हमें बचपन में जैसी कहानियां बताई जाती थी। कब? तब जब तुझे एड़ा बना के पेड़ा खिलाते थे तब। तो मैं कह रहा था कि जब हमें बचपन में कहानियां सुनाई जाती थी कि एक नदी है, उसके आजू बाजू प्राणी पानी पी रहे, खाना खा रहे, कुछ उसी तरह के जगह पे हम जाने वाले हैं अभी। तो देखो अब यहाँ पे आपको फुल कहानी वाला सीन नहीं दिख रहा है। कुछ प्राणी यहाँ पे मस्त आराम से खाना खा रहे हैं, तो कुछ पानी पी रहे, पक्षी भी अपने खाने का इंतजाम कर रहे हैं। ये दोनों तो फुल मजे से धूप सेक रहे थे, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। इनका जो खून है ना वो जम जाता है, क्योंकि पूरे रात भर ये पानी के अंदर रहते, इसकी वजह से इनका खून जम जाता है। उसको पतला करने के लिए ये धूप सेक रहे। हमने सोचा इनको धूप लेने दो, हम चलते आगे। ये वो मोमेंट है। कौन सा? अरे वही जो स्टार्टिंग वाली क्लिप दिखाई ना, वो वाला। दबुल
ये जो अभी आपने क्लिप देखी ना टाइगर्स की, इसका नाम माया है। ये द क्वीन ऑफ ताड़ुबा है। इसने अब तक 3 इंसानों को मारा है। एक लेडी फॉरेस्ट ऑफिसर को तो अभी रिसेंटली ही मारा था, आपने शायद से न्यूज में पढ़ा भी होगा। और आप विश्वास नहीं करोगे, ये केवल 12 साल के है। और जो सुबह देखा था ना, वो 3 या 3.5 साल का एक छोटा सा नन्ना सा बच्चा है। गाइड ने बताया कि इस जंगल में 116 टाइगर है। बाकी जो टाइगर या टाइगरेस है वो शर्मिले मिजाज के हैं। वो ज़्यादातर लोगों से ऐसे पास में आके नहीं मिलते, लेकिन माया भाई किसी से नहीं डरती। देखा ना आपने कितने नज़दीक। जंगल के अंदर चला गया तो हमारे जो जंगल सफारी का टाइम है वो खत्म हो रहा था। वैसे भी टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। हम भी वो स्टार्टिंग वाले जिस गेट से हमने एंट्री ली थी उस गेट पे जाने के लिए हम वापस निकल गए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बनाने वाले ने भी क्या दुनिया बनाई है। जन्नत की खूबसूरती देखने के लिए सोच भी बड़ी होनी चाहिए, नहीं तो कमियाँ छोटी सोच वाले भी निकाल ही लेते। जब हम घर से निकलते तब कितना कुछ सोच के निकलते, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाले ने हमारे लिए सोच के रखा है। आते समय हमारे दिमाग में सब कुछ शोर रहता है, जो भी पूरे ट्रिप में हुआ है वो सब कुछ, लेकिन ये हम पे निर्भर रहता है कि हम उनमें से अच्छी बातें याद रखना चाहते या